मम्मी इतनी शाय हो के घूम रही है ना 2 दिन से, कह रही है हाँ। जहाँ देखो कैमरा लेके घूमते रहते हो। मॉर्निंग एवरीवन, नाबू। अब मम्मी को बोलेगा, तेरे पापा को उठाओ। गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसे उठाऊं बता, चल उठाऊंगी, आ जा मोनू, उठ जा, देखिए देखिए नवाब उठाने करा, चल। हाँ मैं उठाऊं, उठ जा, उठ पापा, उठो, दबा दे, प्रेस कर दे। हाँ शाबाश शाबाश, और प्रेस कर दे। हाँ कर, उठाओ। गुड मॉर्निंग, बोलो पापा उठ जाओ, पापा उठ जाओ। किच्छी ना इधर आ, किच्छी कर दी, किच्छी किच्छी होगी, किच्छी। ओ ले बाबा ले, चिवा चिवा पाली पाली होगी, किच्छी किच्छी। शर्म नहीं आ रही आपको? भाई पूरा गुस्से में, पूरा गुस्से में बैठ गया सामने, छाती पे बैठ गया सामने, कह रहा उठूंगा नहीं जब तक तुम नहीं उठोगे। दबा दे, दबा। नाबू यहाँ पे आके गांव में करता है मस्ती, और देखो अभी ना उनसे जाके बोलो उनको प्रवोक करेगा खेलने के लिए, जो कि कल भी कर रहा था। देखो 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 देखो, गधे चलो, अरे चलो तो भाई यहाँ पे मम्मी पूजा करके आई है और नाबू को दे रही है ब्लेसिंग। भाई आपको पता है मेरे ऊपर तो लगी हुई 295 बट जो लोग कहते हैं कि मतलब हम लोग भाई हिंदू है ही नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा कर सब कुछ करते हैं, तो देख लो ये हमारी माँ है ना। तो मम्मी का उस दिन ऐसे ही कुछ शुरू होता है और यही हमने सीखा है, और बाकी आज दिन है इनका। हाँ भाई क्या हाल चाल, किदा बड़ी, ए बड़ी, हाँ भाई गोवर्धन आए बड़ी। हाँ ये देख रहे हो, वो देखो 3 दिन पहले ही पैदा हुआ था, और उसको ये लग रहा होगा कि मैं कहाँ आ गया इस जिंदगी में, दुनिया में, और क्यों आ गया। इतने बड़े बड़े माँ बाप देख लिए। हाँ इतने बड़े बड़े माँ बाप, ऊपर से हम जैसे 4-5 जानवर दिख रहे हैं ऐसे। तो भाई ये जो लग गया है यार, मम्मी ने हिंशु को भी लगा दिया यार, मम्मी इतनी शाय हो के घूम रही है ना 2 दिन से, कह रही है जहाँ देखो कैमरा लेके घूमते रहते, चल कह रहा है। और मैं नहाया नहीं हूँ कल से, कैसा लग रहा हूँ? ना शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं तो डे वन से ही बोलती हूँ कि हम लोग किसानों के बच्चे हैं भाई, देसी लोग हैं हम। जब सब हर कोई बोलता था ना किसानों को सपोर्ट करो, गांव की तुम्हें वो गाय की तुम्हें लिम्पी वायरस के लिए तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अरे भाई हमारे साथ गुजर रही है, हम लोग क्या सपोर्ट करें, हम लोग खुद किसान हैं। वेरी गुड। इस कटड़ू, कटड़ू को देखो, कटड़ू को, मम्मी उठ गई इसकी। हाँ मम्मी, रोहन मम्मी कह रही है इसकी मम्मी से बच के रहना, अभी थोड़ी पजेसिव है ना ये अपने बच्चे को लेके। तो गांव में भाई देसी खाना, बिल्कुल घी रखा हुआ पराठे पे दबा के, और अभी तो लोनी घी आ रहा है पीछे से। और मैं आपको बता दूं ये हैं मूली के पराठे आज, और मूली के पराठे खा के आज पूरी रात होंगे धमाके। तो भाई आज है गोवर्धन, जैसे आपको पता है, तो आज ना पापा मतलब हमेशा इनको बहुत अच्छे से नहलाना खिलाना ये सब कुछ काम करते हैं, और जो ये पानी है गर्म लिया है पापा ने, रीज़न उसका क्योंकि इसने भी बेबी दिया है, तो अभी ये गर्म पानी से नहाएगी जच्चा है। ये जो दिख रहा है ये है माला, ये जाएंगी अभी बच्चों के गले में, बच्चे इन द सेंस कि पापा पापा के बच्चे पापा के। हाँ हाँ ओ
इधर दिखाओ अपनी माला, दिखाओ सबको, सबको माला दिखाओ, नई माला पहनी है जो बार बार बम दिखा रहा है। ओ गधे, ये इसका कच्छू नहीं निकाला तुमने अभी तक, रोन पेट पे नहीं दबाना, खाना खाया ना। तो भाई हमारी माँ इतनी तेज है, उसने पहले कट्टा बिछा लिया है ताकि फर्श गंदा ना हो, निशान रह जाते हैं ना। हाँ, निशान रह जाते हैं गोबर के। और यहाँ पे शुरुआत हो गई है गोवर्धन रखने की। सिंगारे खा लो, खा गए वैसे मैं सारे खा। और ये सब कपड़े पड़े हमारे ट्रिप के, इसमें से ऐसे निकाल निकाल के खाते जो, रहते हैं। जो साफ है ना, जो साफ है धुलेंगे अभी, दो दिन तो कम से कम काम चलेगा। दो दिन तो मुंह बन गया ना, मुंह बन गया, हाथ बन गए। गोवर्धन देवता आप लाए हो ना सुन तो? ना, किसी से लेके। अच्छा, तो किसी ने लाया? क्या देख रहे बेटी, क्या देख रहे हो? ओ कैसे देख रहे हो, इधर ना रोहन सो रहे हैं और ये भाई साहब ऐसे खड़े, कितना क्यूट है ये, कितना। गोवर्धन तो बन के रेडी है और अब मम्मी इसमें लगा रही है कॉटन, ऐसे घर सा हो गया ना। तो मैं आप सबको बता दूं, ये जो मम्मी कपड़े पहना रहे हैं जिसे, ये है रोहन और ये मम्मी ने चुन्नी लगा दी, ये हूँ मैं हिमशी और ये हमारे गोवर्धन सज के तैयार। मम्मी और कुछ होना है अभी? रोहन बस हो गए हैं अपने गाय भैंसों की रक्षा, रखवाली डंडा ले गए। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं दूध पिला रही हूँ। अच्छा, मक्खन निकालूंगी। अच्छा बहुत बढ़िया। नवाब किधर है? तो भाई इधर है रोहन का बच्चा, ये है नवाब और ये है रोहन और ये है हमारा नाबू का फैमिली कंप्लीट। मुंह साफ कर रहा है मुंह। तो ये जनाब उठे हैं दो तीन घंटे सोने के बाद, मूली के पराठे खा के मस्त सोए हैं और साथ में नवाब भी साथ में उठा है, नवाब भी उतना ही सोया है, नवाब नाम लेते ही इतराने लग गया। क्या क्या, ओ हेलो सर, क्या छींको बस। सही बने, चेक करके चला गया, कह रहा ठीक बना दी दादी ने। तो यहाँ पे मम्मी ने बना दिए हैं पूरे, है ना मम्मी? और ये पूजेंगे अभी गोवर्धन में। और यहाँ पे बनी है पूरी। मम्मी पूरी किसकी है? ये हाँ, ये गाय भैंस की। अच्छा, आज के दिन गाय भैंस की तो गिर गाय। अच्छा, यहाँ बन गई सब्जी और मम्मी ने बताया कि गली वाले डॉग्स की भी पूरी है, आज वो भी पूरी खाएंगे, आज उनकी भी मौज है। ये देखो तो भाई यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा, मैं निकला था बाहर लेकिन देखा गया कि ये ना भैंस ने पाड़ लिया खुंटा। अब पापा यहाँ है नहीं और मुझे हाथ लगाने दे नहीं रही, मैं इसके पास जा रहा हूँ तो ये मेरे को मारने के लिए आ रही है। तो मुझे लगता था कि मैं बांध लूँ लेकिन क्या है कि इसने ना अभी दो दिन पहले बच्चा दिया है तो रिस्क नहीं लिया गया, वो सामने इसका बच्चा है तो मम्मी कर रही है और पापा गए हमारे घूमने। पापा को हमने सारे में ढूंढ लिया, पापा दिखाई नहीं दिए। नाबू देखो, नाबू देखो कहाँ से देख रहा है, है नाबू कह रहा मैं हेल्प कर दूँ थोड़ी सी। हाँ कहाँ जा रही है, ये नाबू को भी तो डांटती है। हाँ है नाबू, तो भैया थोड़ी मुसीबत की घड़ी आ गई थी। अरे खुंटा, खुंटा तो समझ रहे हो या नहीं? ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या होता है खुंटा। और वो नाबू नीचे आया, ये तो अच्छा हुआ खुंटा इसे पहले ना। हाँ खुंटा देखे
खुंटा लेकर घूम रही थी। तू कहाँ जा रहा है, तू भी खुंटा पड़ेगा क्या? चल ऊपर गधा। मम्मी कह रही, हाँ मम्मी कह रही दो थप्पड़ लगाऊंगी, बहुत बन गया तेरा गोर्धन। हाँ, मम्मी का बना दिया गोर्धन इसने। यहाँ पे बाहर भी लगा दिए दिए, और ये पापा के पास में खुद बैठा है, और देखो कैसे खा रहा है। हम इसे मना नहीं करते कुछ भी, ठीक है, कभी कभी खाता है ना पापा के हाथ से। ये देखो पड़ोस वाली आंटी, इसका काम ही है यहाँ बैठ कर पता नहीं क्या देखता रहता है। अब तो बच्चे भी अंदर चले गए। हाँ भाई, पड़ोस वाली आंटी, तो भाई पूरियाँ बनी है, भिलिया बना है, और मेरे लिए बने हैं आलू टमाटर। नाबू क्या देखे? रोहन, हाँ यहाँ बैठ के खा रहे हो? वैसे ही अच्छा हो रहा। पापा भी यहीं बैठ के खाते हैं ऐसे ही सेम चोपड़ी मार के। हाँ जी, तो आज का पूरा दिन आप लोगों ने देखा गोवर्धन की पूजा कितने अच्छे से हुई। तो किस किस के यहाँ पे गोवर्धन होता है और किस तरीके से बनाया जाता है, कितना अलग है हमारे यहाँ से। और नाबू यहाँ पे मेरे साथ बैठ गया क्योंकि आप सबको पता है ये इसको लेनी है आधे घंटे की मसाज। तो आज का जो चैनल है, सॉरी आज का जो व्लॉग है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। और ना वो बोल रहा है गुड नाइट।